सोल्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस 10-10 के पोर्टल का इफेक्ट हमारी ट्विन सोल्स पर पड़ने जा रहा है, और साथ ही हम करंट एनर्जी या फिर लेट नाइट थॉट्स के बारे में बात करेंगे, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन के माइंड में क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करेंगे। इस 10-10 के पोर्टल पर उन्हें ओल्ड मेमोरीज माइंड में आएंगी, वो कैसे फेमिनिन से बात करते थे, उनके साथ बिताए पलों को याद करेंगे, उनके फेमिनिन के लिए प्यार ज़्यादा फील होगा, जो प्यार पहले वह कम हो गया था वो फिर से बढ़ेगा। फेमिनिन को बहुत ज़्यादा हमारे मैस्कुलाइन याद करेंगे, उन्हें लगेगा वो फेमिनिन के बिना बहुत अधूरे हैं, अंदर से दुखी और बाहर से हैप्पी शो कर रहे हैं। फेमिनिन से काफ़ी टाइम से कुछ मैस्कुलाइन की ठीक से बात नहीं हो रही है, होती है तो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं, जिस कारण भी मैस्कुलाइन दुखी हैं, फेमिनिन के बारे में सोच रहे हैं या सोचेंगे। फेमिनिन को जो एफर्ट लगाया करती थी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढती थी, उनके प्यार, उनकी प्यारी प्यारी बातें, उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या फेमिनिन से यह रन कर गए थे, आज उन्हें निभाना चाहते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह निभाना चाहते हैं। फेमिनिन के लिए क्रेविंग उनमें बढ़ रही है, फेमिनिन के साथ दूरी उन्हें परेशान कर रही है, फेमिनिन को स्टॉक कर रहे हैं बट फेमिनिन के गुस्से से भी डर रहे हैं, उनसे वह नाराज़ है। सो पहले उन्हें लग रहा था कि फेमिनिन के साथ पास गया तो वह गुस्सा करेगी, नाराज़गी दिखाएगी, मुझे सुनाएगी। फेमिनिन को लेकर उनकी सोच बदली है, उन्हें ऐसा फील होगा कि फेमिनिन उनसे कुछ छुपा रही हैं, सीक्रेटिव नेचर की हो गई हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ की बात उन्हें नहीं बता रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि फेमिनिन उनसे कुछ हाइड कर रही है, उन्हें लग रहा है कि फेमिनिन को उनसे अपनी सभी बातें शेयर करनी चाहिए। फेमिनिन में काफ़ी चेंज आया है जो उन्हें नेक्स्ट 24 आवर्स में फील होगा। फेमिनिन उन्हें चेस किया करती थी, अब नहीं कर रही हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ या सेपरेशन हुआ, उसमें फेमिनिन में काफ़ी चेंज आया है, वे काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव की भी हमारी कुछ फेमिनिन हो गई है। वही मैस्कुलाइन उन्हें अपने पास लाना चाहते हैं, उन्हें मनाना चाहते हैं। कुछ फेमिनिन मैस्कुलाइन से नाराज हैं, उनकी तरफ नहीं आ रही हैं। आपने आज पास अपने आसपास के लोगों से भी वह सही से बात नहीं कर रही है, प्यार बहुत करती हैं और रिश्ता दोनों ही ठीक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह 10-10 का पोर्टल ऐसी ही सोल्स को रीयूनियन तक लेकर आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी। तो यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन अपनी फेमिनिन से बात करना चाहते हैं बट उन्हें शो नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन थोड़ा परेशान से हैं, क्योंकि वो जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी सोचते हैं, वैसा हो नहीं रहा, उनकी प्लानिंग फेल हो रही है। चाहे वो फेमिनिन की तरफ कोई एफर्ट लगा रहे हो, वो सब फेल हो रहा है। जो भी फेमिनिन से वह चाहते हैं, उनसे वह मिल नहीं रहा, क्योंकि फेमिनिन भी उन्हें वैसा प्यार नहीं दे रही हैं, वैसा चेज नहीं कर रही हैं, पागलों की तरह उनके पीछे नहीं भाग रही हैं, जिस कारण हमारे मैस्कुलाइन सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिस कारण थोड़ा दुखी हैं। मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनिन बहुत जल्दी डिसीजन लेती हैं चीज़ों के बारे में या सिचुएशन के बारे में सोचती या समझती नहीं हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनिन उन्हें नहीं समझ रही है, उनमें मेच्योरिटी नहीं है। करंट एनर्जी में हमारे मैस्कुलाइन यह सोच रहे हैं कि अब उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। फेमिनिन की अटेंशन वे चाहते हैं बट खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर ईगो आड़े आ रही है। कंट्रोलिंग नेचर के हैं हमारे मैस्कुलाइन, ऑर्डर देना, एक राजा की तरह रहना उन्हें पसंद है। हमारे मैस्कुलाइन जिन्हें किसी की भी सुनना पसंद नहीं है, उन्हें इस बात का भी दुख है कि वो फेमिनिन को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पा रहे हैं। जितना वो फेमिनिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि फेमिनिन को कैसे डील करें, वो उनकी सुनती ही नहीं है। जो डिवाइन फेमिनिन इस जर्नी में न्यू है, इस 10-10 के पोर्टल की एनर्जी पर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वह सब ठीक होंगी और वह न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे सोल्स की बनी हुई है। यदि 10-10 के पोर्टल की बात करें, तो 10-10 पोर्टल पर आपके जो कर्मा होते हैं, वो बैलेंस होने लगते हैं।
कई बार आपको उससे रिलेटेड ड्रीम भी आते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके कर्म क्लीन हो गए हैं, या अगर पेंडिंग रह गए हैं तो उससे रिलेटेड ड्रीम आपको 1010 के पोर्टल पर आ सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स पर ध्यान रखें। आपको जैसे मुकदमा, फांसी, सजा मिलते, सुनवाई होते या फांसी की सजा मिलते जैसे ड्रीम आ सकते हैं। जिन सोल्स को ऐसे ड्रीम इस पोर्टल पर आए हैं वो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कुछ सोल्स को वाटर से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, नदियाँ, झरना, तालाब आदि में नहाना या पानी बहते हुए देखना आदि ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। स्काई के ड्रीम आ सकते हैं, पहाड़ों के ड्रीम आ सकते हैं, तो इस टाइप के ड्रीम आपको आ सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स की सिंक्रोसिटी भी आपको हो रही होगी, तो इस टाइम आप अपने नंबर्स की सिंक्रोसिटी पर ज़रूर ध्यान दें। ये नंबर आपको गाइडेंस देने के लिए डिवाइन द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, डिवाइन की गाइडेंस है ये, तो इन पर ज़रूर ध्यान दें और इनका मतलब ज़रूर समझें और उसको फॉलो करें। इस 1010 के पोर्टल की एनर्जी के कारण ट्विन सोल्स स्पिरिचुअलिटी की तरफ या डिवाइन की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। जो सोल्स कार्मिक के कारण दुखी थी, परेशान थी, उनके कार्मिक उन्हें ट्रिगर करना छोड़ देंगे और न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अब तक हमारी ट्विन सोल्स ने इस जर्नी को जाना है, उसे फील किया है, महसूस किया है, उसे समझा है, बट रियल फॉर्म इस जर्नी की आप अभी फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप कि एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाएं और रीयूनियन या डबल वन लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।